नमस्कार, मैं हूं दिवांजी मोइत्रा। दिल बड़ा ही नाजुक होता है, प्यार होने पर रोने लगता है, हंसने लगता है, और जिससे प्यार होता है उसके लिए दुनिया से लड़ने, दुनिया छोड़ने की बात करने लगता है। इसके साथ ही साथ ज्यादा निराश होने पर इस दुनिया से रुखसत भी हो जाता है। प्यार किसी से भी हो सकता है, इंसान का अपने कुत्ते से, कुत्ते का इंसान से, या किसी और जानवर का इंसानों से प्यार। इस तरह के प्यार को कई बार परिभाषित भी किया गया है। जैसे हाथी मेरे साथी में एक हाथी का इंसान से बेजोड़ प्यार देख सकते हैं। यहाँ पर और कई फिल्मों या कहानियों का जिक्र किया जा सकता है जिसमें इंसान और जानवरों का बेजोड़ रिश्ता देखा जा सकता है, जिसे देखकर और सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं। आज हम भी एक ऐसे ही रिश्ते की बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक शख्स जिसका नाम मैल्कम ब्रेनर है, उसने अपनी किताब में दावा किया था कि उसे एक डॉल्फिन से प्यार हो गया था, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद डॉल्फिन ने खुदकुशी कर ली थी। ब्रेनर ने किताब में यह भी कहा है कि डॉल्फिन के साथ मैं रिलेशनशिप में रहा, मैं जहां पार्क में काम करता था वहीं पर डॉल्फिन रहती थी और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण मेरी नौकरी छूट गई क्योंकि घाटे की वजह से पार्क बंद हो गया और डॉली को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसी से दुखी डॉल्फिन ने 9 महीने के बाद खुदकुशी कर ली। ब्रेनर का दावा है कि डॉली ने जानबूझकर अपनी सांस रोककर आत्महत्या कर ली। डॉल्फिन के सुसाइड के दावों को लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी पानी के जीव ने आत्महत्या की। किताब में ब्रेनर लिखते हैं कि डॉली की मौत के बाद वो 5 साल तक डिप्रेशन में रहे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ब्रेनर की किताब वेट गॉडेस 2010 में आई थी, जिसमें उन्होंने डॉली के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या ये सही है या गलत या पूरी तरह से बकवास। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इस किताब ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया और हर तरफ ब्रेनर की और उसकी गर्लफ्रेंड डॉल्फिन की चर्चा हो रही है।